अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिर्फ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नई सुबह का आगाज हो चुका है, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आपको बताती चलूं, जो पंजाब सिर्फ सिटी अथॉरिटी में मैं जब सुबह अपने ऑफिस में दाखिल हुई तो सबसे पहले एक आदमी खड़ा और उसने मेरे आगे ऐसे कुछ किया, तो मुझे लगा ये कोई पिक्चर बना रहे हैं। मैं फटाफट सेट हो गई कि पिक्चर क्यों साथ, तो उन्होंने कहा नहीं ये स्कैनर है मैडम, आपका स्कैन हो रहा है। मतलब हमारे ऑफिस से पहले भी एक चीज थी रिमशा कि सबसे पहले जब हम एंटर होते हैं तो हाथ धुलवाए जाते हैं। हाथ धुलवाए बिल्कुल बाहर उन्होंने रखा हुआ था पानी। उन्होंने कहा मैडम पहले हाथ धो फिर आप अंदर जाएंगे। उसके बाद मेरे एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और मेरा टेम्परेचर उन्होंने देखा कि आया कि मैं विक्टिम तो नहीं, और फिर अंदर आके सैनिटाइजर लगाया और फिर मुझे ऑफिस में आने की इजाज़त मिली अपने रूम में। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे ऑफिस ने जो लिया है, और इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं सबको कहूँगी कि ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। आपके जो मुलाजमीन हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ पंजाब गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान ने एक और आसन इकदाम किया है कि अगर आप लोग घर में मौजूद हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आपके लिए वेब पोर्टल का आगाज़ किया है। बिल्कुल जनाब, कोरोना टेली मेडिसिन वेब पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत आप लोग घर में बैठे कोरोना वायरस के हवाले से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, इसके सिम्टम्स के बारे में कोई जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि कोई एहतियाती तदाबीर आपको पता चलें, या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं इवन दैट, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप उस वेब पोर्टल के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हेल्पलाइन भी डायल कर सकते हैं 03011102229, जो कि हेल्पलाइन नंबर है। और इसके साथ मैं बताता चलूं, 03011102229 ये हेल्पलाइन नंबर है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और उन्होंने सबके लिए ये जिसको भी फैसिलिटी प्रोवाइड किए इंफॉर्मेशन के लिए। बढ़ते हैं हम अपने गेस्ट की जानिब, फाइक इंट्रोडक्शन करवाइएगा। बिल्कुल जी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रशीद साहब, जो के प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर हैं। उनसे हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आज कल तो आप वाकई बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अच्छा सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि हमारी जो दुनिया है पूरी, उसे इतने एटमी एटॉमिक बम से इतना खतरा नहीं है जितना ओजोन डिप्लीशन है या ये सब कुछ हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, और हम देखते हैं कि शायद कोरोना वायरस, अब मैं मुझे नहीं पता ये ठीक है, आप बताएंगे कि कोरोना वायरस भी वहीं से ही आया है माहौलियाती आलूदगी से या गोश से, इसके बारे में बताइएगा कि माहौलियाती आलूदगी कितना ज़रूरी है, उसे बचाओ, उसे साफ सुथरा रखना अपने माहौल को टू प्रिवेंट द डिजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे आपने अभी खुद ही बताया कि भाई एटम बम और एटमी लड़ाई से इतना नुकसान नहीं है जितना माहौलियाती, और ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो माहौलियाती आलूदगी के अंदर फंस चुके हैं सिर्फ, और ये एक मुल्क की बात नहीं है, ग्लोब में एक जगह के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी आपने देखा है कि पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ गई। जैसे ये कोरोना अभी चाइना से शुरू हुआ और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई है। इसी तरह आप ये देख लें कि जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन अगर चाइना में होगी तो उसका इफेक्ट जो है अमेरिका तक जाएगा, हालांकि इतना बड़ा बर आज़म है और कई समुंदर पार करने पड़े, लेकिन हवा एयर पोल्यूशन और इसके अंदर जो डेवलप कंट्रीज हैं वो माहौलियाती आलूदगी के अंदर अपना किरदार सबसे ज़्यादा अदा करे। पाकिस्तान तो 137 नंबर पे है माहौलियाती आलूदगी फैलाने में, अच्छा, और लेकिन अफेक्ट होने में पाकिस्तान का 10वां, टॉप 10 कंट्रीज के अंदर हम शामिल होते हैं, अफेक्ट हो रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है माहौलियाती आलूदगी फैलाने में कुछ भी नहीं, लेकिन अफेक्ट हम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और उसकी रीज़न यही है कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग जो और क्लाइमेट चेंज जो इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है उसके अंदर सीरियस नहीं है पूरा। अभी अमेरिका ने अपने आप को माहौलियाती आलूदगी से इम्पैक्ट से बाहर निकाल लिया, और आप देखें कि ये बेसिकली कोरोना की जो वबा फैली है ये भी एक किस्म का आप कह लें कि आपका माहौलियाती आलूदगी के एक असरात में से एक असर है जी। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान जानदार वो सारे इफेक्ट हो रहे। अभी तो हम इंसानों की जो अमवात हुई हैं उसका हमें है, अभी ये नहीं पता कि इस कोरोना का इफेक्ट हमारी जितनी बाकी जानदार है, जानवर हैं, उन पे कितना है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ जिन्होंने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा लिया है,
तो वो भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड है। तो नहीं, माहौलियत लूदी पे किसी मुल्क ने काबू नहीं पाया। अब अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, मिनिमाइज किया उन्होंने। नहीं, अमेरिका तो सर माहौलियत लूदगी फैलाने में टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन मुल्कों ने जो ये अपनी इंडस्ट्रीज और दूसरी चीजें लगाई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इसी कोल पावर प्लांट की। अब कोल पावर प्लांट जो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में मतरूक हो चुके हैं, अब पाकिस्तान में हम, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास, मुझसे लोग बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप एनवायरनमेंट को ठीक करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है और हम एनवायरनमेंट को क्या ठीक करें। तो देखिए, हमारे नबी करीम सल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें ये चीज बता दी है कि हमें सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ आपका एक क्लिप जिसमें आपने घर में बैठ के तरीका बताया कि आप कैसे हैंड सैनिटाइजर घर में बना सकते हैं। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हमें चाहिए और किस तरह हम हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। सफाई करनी है उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है साबुन और पानी। हैंड सैनिटाइजर वो लोग इस्तेमाल करें जिनके पास पानी और साबुन अवेलेबल नहीं है। वो लोग जैसे कि हमारी वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस, दूसरी पुलिस जो के रोड्स पे खड़ी हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी जेब में ये होना चाहिए, अवेयरनेस आवाम तक आए कि ये घर में भी बन सकता है और इसके इंग्रेडिएंट बड़े हैं। लेकिन अल्कोहल के लिए You have to get the lessons. पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारे पास तो जो आपने वो हमारी लैब के लिए उतने अपना एक लीटर दो लीटर आई और हमने उससे ये आपको बना के वो दे दिया। लेकिन अगर ऐसे पैनिक क्रिएट हो कि हैंड सैनिटाइजर खत्म कर दिए जाएं और वो हो जाए, तो ये अवेयरनेस हमने दी है कि भी इससे घबराना घरों नहीं में है कैसे, हाँ। घरों में भी आप अपना इसको बना सकते हैं और इसके लिए, लेकिन आपने तरीकाकार प्रॉपर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा देसी तरीका आप इस्तेमाल करें। आपने देखा होगा कि हमारे जब बड़े बुजुर्ग जब थे, साफा एक होता है जी, ठीक है जी, जी, जी। जिसको मफलर या होते हैं मलमल का रुमाल इस्तेमाल करें, वो आप अपना जनाब अली बांधे और शाम को उसको धोएं अच्छी तरह, और वो आपका इससे अच्छा मास्क को नहीं था। और ये है कि इसके अंदर जब आपके जर्म्स और हाथ लगते हैं, इसको बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो ये एक छोटी सी जगह के ऊपर आप जर्म्स को खुद इकट्ठा कर रहे हैं और बीमारी अपने साथ खुद लेके जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे मास्क एक मिनट दिखाएगा, मैं व्यूअर्स को बताऊं कि ये पहनना एक्चुअली कैसे। अच्छा, ये वाला जो साइड है ये हम अंदर करेंगे, ये वाली साइड जी जी जी, अच्छा ये साइड हम अंदर करेंगे और फिर यहाँ से लास्टिक में, ठीक है। और ये कितनी देर तक चल सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है जरासीम से? जी, इसके अंदर ये है कि इसको भी साफ करने के लिए प्रॉपर है। अच्छा अच्छा, इसे भी साफ कर, इसको भी आप साफ कर लें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अगर तो ऐसी एनवायरमेंट में है जहाँ पे बहुत गर्दो गुबार और धुआं है, तो उसमें तो एक दिन ये निकालेगा। जब हम बात कर रहे हैं आपसे, अगर आप किसी दूसरे बंदे को कोरोना वायरस है या उसको वो नजला जुकाम है, तो उससे फिर किस तरह से बचा जाए? खांसी करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपको खांसी आ रही है तो आप अपनी बाजू के ऊपर ऐसे खांसी, ताकि ये तरीका कार होना चाहिए, ठीक है जी? जी। और इसी तरह जब आप बात कर रहे हैं या अपना हरे, तो हाथों को मत मुंह के ऊपर रखें, क्योंकि गैर अरादी तौर के ऊपर आपका हाथ के ऊपर जो भी जर्म्स लगते हैं वो आप जब मुंह पे हाथ फेरेंगे तो गैर अरादी तौर पर आपके उसके अंदर आ जाएंगे जी। इन चीजों से बचा। आप इंग्रेडिएंट्स बता दें कि इसमें क्या क्या और कितने परसेंट है? देखें, ये सैनिटाइजर के दो मेन इंग्रेडिएंट हैं, एक को हम एथेनॉल कहते हैं या आम आसानी के लिए भी उसकी अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है जी। इसके अंदर हम 60-70% 60 से कम अगर अल्कोहल होगी तो उसके असरात नहीं होंगे, ठीक। मिनिमम 60% अल्कोहल होनी चाहिए और 40% आपने डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल वाटर के अंदर आप अर्क्यो गुलाब इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर दूसरा कर सकते हैं, ये दो चीज़ें। उसके बाद बेसिकली ये क्या है कि अल्कोहल के साथ जब डिस्टिल वाटर होता है तो आपको हाथों पे खुश्की महसूस होगी, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए ग्लिसरीन के 2-3 कतरे आप थी, उसमें थी। डाल लें, ये इतनी बॉटल में 2 कतरे ग्लिसरीन नहीं, 1 लीटर में, 1 लीटर में, 1 लीटर के अंदर 2-3 कतरे सिर्फ डाल लें, और विटामिन ई के 2 कैप्सूल,
आम अवेलेबल हैं जी, अवेलेबल बल्कि जब आप बार्बर शॉप पे जाते हैं या मेकअप यूज करते हैं वो तो वो बेसिकली मॉइस्चराइज़र। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि जो स्प्रिट होती है जिससे जख्म को साफ किया जाता है उससे भी जरासीम मरते हैं, तो क्या ये उसमें यूज कर सकते हैं? नहीं 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 बिल्कुल, और ये बड़ा क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसलिए कि जो स्पिरिट है वो एथेनॉल नहीं है, ठीक है जी, उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हैं, ठीक है जी, और वो आपकी जिल्द के ऊपर जब लगता है तो जिल्द को वो खराब करेगा। ठीक, हैंड सैनिटाइजर पर जब आप स्पिरिट लगाएंगे तो आपने देखा होगा कि भाई फौरन जहाँ पे स्पिरिट लगती है वो जगह फौरन खुश्क हो जाती है, जरासीम तो वो मार देती है लेकिन वो आपकी बाकी जो स्किन है उसको वो इरिटेट करेगी और आपको स्किन डिजीज हो सकती है, इसलिए बिल्कुल उससे नहीं आप। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि वो स्प्रेड वो कह रहे हैं, बिल्कुल तो मतलब आप डिनाई कर, बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हर सोशल मीडिया की बात पे आंखें बंद करके नहीं हमें यकीन करना चाहिए। अवेयरनेस इसी का नाम है कि आप एक मुस्तनद जो है केमिस्ट है उससे आप अपना लें, और मैंने इसलिए बताया कि इसको भी हम कमर्शलाइज नहीं कर रहे, हमारे आज वाइस चांसलर साहब ने ऐलान किया है कि हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और केमिकल इंजीनियरिंग, इनके तमाम प्रोफेसर्स मिलकर इसकी सारी अथेंटिसिटी सारी करने के बाद फिर इसको हम कमर्शली बना के देंगे। अभी तो हमने इसको सिर्फ बनाया है अपनी जो सिक्योरिटी के गार्ड और अपने चौकीदार उनके लिए, जी जी जी। और कुछ आज हमने जो है ना कोई वार्ड अच्छा डॉक्टर साहब, हाथों के अलावा डिवाइसेस अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, गैजेट्स तो जो हमारे सारे हैं उनकी सफाई कितनी इम्पोर्टेंट है, और सैनिटाइजर से भी आप हमें बताइएगा कि क्या सैनिटाइजर से उसकी सफाई मुमकिन है? देखिए बात ये है कि पहली बात ये कि कोशिश करें कि हैंड्स फ्री को यूज करें मोबाइल अच्छा। के साथ जब भी आप अपना करें, क्योंकि मुंह के करीब जब आप मोबाइल फ़ोन लेके जाएंगे हाथ लेके जाएंगे तो ला महला ये है कि वो आपके मुंह के साथ टच हो सकता है और जर्म्स जो है ना आपने आए और मुंह हमारी आदत होती है कि मोबाइल निकाला टेबल पे रख दिया, टेबल के ऊपर जर्म्स जो हैं वो मोबाइल के साथ अपना टच हुए और वो है, इसी तरह आपने जब कान के साथ मुँह के साथ लगाया मोबाइल तो वही है, हाथों पर जब आप कर रहे हैं तो हाथ में जर्म्स हैं तो वो, तो पहले तो कोशिश करें कि अभी ये थोड़ी सी आदत हम करें कि हैंड्स फ्री, ठीक, हैंड फ्री को अब यूज करें। दूसरा ये है कि बिल्कुल मोबाइल की जो कवर्स हैं उनको आप डेली जरूर साफ करें, ठीक, उसको साफ करने के लिए अगर तो प्लास्टिक कवर्स है तो मैंने बताया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको धो लें, ठीक ठीक धो लें सर्फ से साबुन से उसको धोएं, धोने के बाद उसको आप यूज करें। अगर आपके पास प्लास्टिक कवर नहीं दूसरा है कवर जो हमने शीशे का या वो दूसरा लगाया होता है तो उसको भी आप कोई भी स्वैप लेके सैनिटाइजर से ले लें, आप डिटोल से ले लें, उससे उसे साफ करके तो उसको रखें ताकि जर्म्स वो खत्म हो जाए। ठीक, अच्छा मतलब जो मोबाइल की स्क्रीन और उसका बैक कवर सारा हम सैनिटाइजर से भी उसे कॉटन से साफ कर सकते हैं और डिटोल से भी साफ करते उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि मौसम के बदलने के साथ दर्जा हरारत जब बढ़ जाएगा कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? ये देखें दुआ करें अल्लाह से कि भी ये हो। मेन चीज ये है कि मूमन ये होता है कि टेम्परेचर हाई होने से जितने भी जर्म्स हैं और जितने वायरस हैं वो अमूमन ख़त्म हो जाते हैं जी। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मतलब जो है कि ये वायरस सर्वाइव नहीं कर सकते जी। अब कोरोना के बारे में हतमी तौर पे नहीं कुछ कह सकते लेकिन चांसेस यही हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो इंशाल्लाह ताला इससे हम बच सकते हैं। सर, एक डॉक्टर साहब करंटीना एक कॉन्सेप्ट है कि आइसोलेशन में रखा जाए, कोई बिरून मुल्क से आ रहा है जिस तरह पाकिस्तान में उसे 15 दिन तक आइसोलेशन में रखते हैं जिसमें उनका पूरा चेकअप करें, मुआयना करें ताकि दूसरे लोगों को, इसके बारे में बताएंगे क्या है और ये वहाँ पर दर्जा हरारत कैसे मेनटेन किया जाता है, किस तरह वहाँ की आबो हवा को क्लीन किया जाता है ताकि दूसरे तक ना पहुँचे? देखिए आइसोलेशन उसमें यह है कि अगर किसी पेशेंट में कोरोना के वायरस डिटेक्ट हो गए हैं, ठीक है जी, तो उसको 14 दिन के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए रखते हैं और बाकी जो लोग उसके साथ इंटरेक्शन जिनका हुआ था उनको आइसोलेशन में इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कि जर्म्स वहाँ पे उसके अंदर
जा चुके हों, लेकिन उसकी बॉडी में अभी हमें डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो 14 दिन तक अमूमन ये होता है कि ये जो कोरोना के जर्म्स हैं या दूसरे भी है, उनकी सर्वाइवल 14 दिन तक रहती है। अगर तो 14 डेज में वो उभर कर आ जाते हैं टेम्परेचर और वो अलामत सारी आनी शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि वो अफेक्ट हो गया। लेकिन अगर 14 दिन में आइसोलेशन में रहते हुए कि कोई उससे नहीं मिल रहे और कोई नहीं कर रहा और उस स्प्रेड नहीं हो रहा, तो वो अलामत उसमें नहीं जाहिर होती, तो इसका मतलब ये है कि उसमें नेगेटिव होगा, उसमें अब कोरोना के चांसेस नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नए प्रोग्राम के साथ नई बातों के साथ हाजिर होंगे। लेकिन सबसे पहले आखिरी बात जो हम कहना नहीं भूल सकते वो ये कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फाइक और इमशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।